नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। मुंबई और निकटवर्ती इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए और रेल और विमान सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। भारी बारिश के कारण रेल पटरियों के पानी में डूबने से महालक्ष्मी एक्सप्रेस करीब 1050 यात्रियों के साथ ठाणे जिले में बदलापुर के पास फंस गई, जिसके बाद अधिकारियों ने विभिन्न राहत एजेंसियों की मदद से बचाव अभियान शुरू किया। 11-12 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला जा सका। करीब 12 घंटे तक चला बचाव कार्य। लगभग 11 से 12 घंटे से महालक्ष्मी एक्सप्रेस में फंसे यात्रियों के बचाने के लिए नौसेना के 8 टीमों को लगाया गया, जिसमें 3 गोताखोरों की टीम भी शामिल थी। टीमों को बचाव सामग्री, नौकाओं और जीवन रक्षक जैकेट के साथ रवाना किया गया। इससे पहले हालात का जायजा लेने के लिए एक नौसेना का हेलीकॉप्टर के साथ नेवी की गोताखोरों की टीम को भी मौके पर भेजा गया था। बता दें, ट्रेन मुंबई से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर बदलापुर और वानगनी के बीच फंसी थी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया था कि वहां से निकाले गए 500 यात्रियों में 9 गर्भवती महिलाएं हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया, एनडीआरएफ ने अब तक 9 गर्भवती महिलाओं समेत 500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। आपातकाल स्थिति के लिए प्रसूति रोग विशेषज्ञ समेत 37 चिकित्सकों को एम्बुलेंस के साथ तैनात किया गया। सह्याद्री मंगल कार्यालय में खाने पीने जैसे जरूरी इंतजाम किए गए। आने जाने के लिए 14 बसों और 3 टेम्पो की व्यवस्था की गई। महाराष्ट्र सरकार की आपदा प्रबंधन इकाई के निदेशक अभय यावलकर ने एनडीआरएफ की वायु कमान और वायु सेना और नौसेना को पत्र लिख यात्रियों को हवाई मार्ग से निकालने सहित अन्य आवश्यक अभियान में मदद करने की अपील की थी। विहन मुंबई नगर निगम बीएमसी के अनुसार पिछले 24 घंटे में सुबह 8 बजे से मुंबई में 97.3 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि पूर्वी और पश्चिमी उपनगर में इस दौरान क्रमशः 163 मिलीमीटर और 132 मिलीमीटर बारिश हुई। इस पर नौसेना ने ट्वीट किया, मुंबई और उसके निकटवर्ती इलाके में पिछले 24 घंटे में लगातार हो रही बारिश के चलते भारतीय नौसेना के 3 गोताखोर दल सहित अन्य 8 बाढ़ राहत बचाव दल सामग्री रबर वाली नौकाओं और लाइफ जैकेट के साथ भेजे गए। नौसेना ने कहा कि एक सी किंग हेलीकॉप्टर मौके पर भेजा गया है, जिसमें गोताखोर रबर की नौकाएं और आवश्यक सामग्री के साथ मौजूद हैं। मूसलाधार बारिश के कारण मुंबई हवाई अड्डे पर 11 उड़ानें रद्द की गई हैं और 9 के मार्ग परिवर्तन किए गए हैं। आपको बता दें, इस पूरे घटना पर बचाव कार्य के बाद अमित शाह ने बधाई दी है टीम को। इस घटना पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एनडीआरएफ, नौसेना, भारतीय वायुसेना, रेलवे और राज्य प्रशासन की टीमों ने महालक्ष्मी एक्सप्रेस में फंसे सभी यात्रियों को सुरक्षित बचाया है। हम पूरे ऑपरेशन की बारीकी से निगरानी कर रहे थे। उन्होंने बचाव टीमों को बधाई दिया। इधर महाराष्ट्र सरकार के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से बचाव कार्यों के बाद निगरानी करने का निर्देश दिया था। आपको बता दें, महालक्ष्मी एक्सप्रेस फंस गई थी और बाढ़ के पानी के बीच ये ट्रेन फंसी हुई थी। काफी मशक्कत के बाद ट्रेन के सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। आपको बता दें, ये मामला तब हुआ जब मुंबई से रवाना हुई ट्रेन और रात में ये पानी के बीच फंस गई। आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज ब्यूरो की रिपोर्ट।
अपना भविष्य इंदु प्रकाश फार्मेसी के साथ, डी फार्मा और बी फार्मा करके। इंदु प्रकाश फार्मेसी एट हल्दरपुर मऊ और साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी से एलोपैथिक में डी फार्मा करें। विजिट साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी सिकटिया, रोज गार्डन के सामने मऊ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।